हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि जारी की गई है सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। ये वैकेंसी जो जारी की गई थी, ये 6 जनवरी को जारी की गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल यानी कि सरकारी नौकरी को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से संबंधित 1 से 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल भी होती होंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं इन वीडियो में सरकारी नौकरी के फॉर्म कोई आता है तो उससे रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो बनाता हूँ, जैसे उसका फॉर्म को भरने की प्रक्रिया से लेकर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और नंबर ऑफ वैकेंसी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सब के बारे में उस वीडियो में डिटेल बताता हूँ। और मैं ये भी बताता हूँ कि आपको उसमें फॉर्म मेरिट वाइज जब वैकेंसी है, मेरिट वाइज सिलेक्शन है या एग्ज़ाम लेंगे, किस प्रकार सिलेक्शन है, ये भी मैं बताता हूँ। तो मेरे चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा, नीचे रेड बटन होगी आपको वीडियो के नीचे दाहिने साइड नीचे की तरफ, वहाँ सब्सक्राइब की रेड बटन होगी, आप उसी पर क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करें थे सशस्त्र सीमा बल की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई है उसकी, तो आते हैं पहले स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे बात करें कि किस किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट जारी की गई है सशस्त्र सीमा बल की तरफ से, 3 पोस्टें जारी की गई है उनकी तरफ से, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की। और ये तीनों पोस्टें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लिए हैं। यदि मतलब आपकी पोस्टिंग होगी तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में होगी। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं तीनों पोस्ट के लिए मैं बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए 160 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 110 वैकेंसीज हैं और हेड कांस्टेबल के लिए 746 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 872 हैं। तो आप जिसमें चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं सेकेंड स्टेप पर, जिसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आते हैं एज क्राइटेरिया पे। एज क्राइटेरिया 18 से 25 रखा गया है। और अब आते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन में डिग्री होनी चाहिए। मींस इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन में आपके पास BE BTEC की डिग्री होनी चाहिए, या तो यदि आपके पास ये नहीं है तो या तो आपके पास BSc होनी चाहिए, वो भी मैथ ग्रुप के साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ आपकी BSc हो। अगर दोनों में से भी है तो आप SI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप, ASI के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यदि आप ASI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ET में, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए, या तो अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप 10+2 पास हो विथ 50% मिनिमम 50% मार्क्स, 50% से नीचे ना हो आप इन BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, या तो आप टेली इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हो, या तो आप BSc किए हों जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट रहा हो और आपके परसेंटेज 50% से नीचे ना हो BSc में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ASI के लिए। और हेड कांस्टेबल के लिए आप 10+2 पास हो विथ मैथ ग्रूफ, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो आपको 10+2 यानी 12th में। यदि आप ये तीनों मैंने बता दिए, इस जिस आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि जो है फॉर्म किस प्रकार भरना है। दोस्तों, फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। और दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है SSB की तरफ से यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। कोई फेक फॉर्म नहीं है कि आप ऑफलाइन फॉर्म है तो, या तो ये कोई गलत फॉर्म होगा, मतलब ये सही है कि नहीं है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये पूरी तरह से जेन्युइन फॉर्म है, एकदम करेक्ट फॉर्म है। आप अप्लाई बिना किसी हिचक के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ फेसबुक पेज पे की अपने, जिस पे मैं उस फॉर्म का वहाँ पे डाला हुआ हूँ कि कौन सा फॉर्म की वो प्रोफार्मा क्या है, वो फॉर्म आप देख सकते हैं। या तो आप अपने अगल बगल जाइए, जो आप फॉर्म बेचने की दुकान होगी जिसमें, वहाँ से आप फॉर्म मांग लीजिए SSB का, जो कि SI और हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म आया है SSB का, आप बोल दीजिए वो दे देंगे। 10-20 रुपये का फॉर्म आता है, वो दे देंगे। उस फॉर्म को आपको भरना है और मेरे फेसबुक पेज से उस फॉर्म को मिला लीजिए, कहीं फेक तो नहीं वाला, तो दोनों अगर मैच करते हैं तो आप उस फॉर्म को
भर दीजिए। मैं अपनी फेसबुक पेज की जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, राइट क्लिक क्लिक करके वो फॉर्म का आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैं फॉर्म उस पर डाला हुआ हूँ। अब आप फॉर्म को जब लेंगे तो उस पर आपको सब कुछ भरना है, जैसे नाम वगैरह तो आप सब कुछ भरेंगे, और उस पर एक फ़ोटो लगानी है, वो भी कलर फ़ोटो, और ये फ़ोटो लगा के आपको फॉर्म को भर लेना है पूरी तरह से। अब आगे क्या करना है, आप दो कलर फ़ोटोग्राफ, दो कलर फ़ोटो जिसपे आपके खुद के साइन हो वो रख लेना है। उसके साथ साथ 10+2 का सर्टिफिकेट, माने 12th का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट वो रख लेना है, विथ आपके पास उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको अटेस्ट होना चाहिए। और उसके बाद एक उन्होंने एज वेरिफिकेशन के लिए मांगा है, तो एज वेरिफिकेशन के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मतलब 10वीं का। उसके बाद DD आपको देनी है, DD बनवानी है। DD बनवाने के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप SI के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये की DD बनानी पड़ेगी, यदि आप ASI के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये की DD, यदि आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो भी 100 रुपये की DD बनेगी। दोस्तों ये DD किसके नाम बनवाई है बनवानी है, ये जो फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ सब कुछ दिया होगा, उसी के नाम से DD बनेगी। यदि आप SI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 200 रुपये की DD बनवाइए, ASI के लिए 100 की बनवाइए, और यदि आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो भी 100 की DD बनवाइए। आप किसी एक के लिए ही अप्लाई करें तो वो DD बना के आपको रख लेनी है। उसके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कापी, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड माने आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको दो इनवलप हों, दो लिफाफे हों जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, मतलब अपने पेन से उस पर अपना एड्रेस लिख दीजिए, परमानेंट एड्रेस। और लिफाफे के साथ आपके पास पोस्टल स्टाम्प हों 25 रुपये के, इन सब चीज़ों को रख लीजिए, और एक बड़े लिफाफे में इन सब चीज़ों को भर लीजिए। भर के इसको आपको भेजना है, भेजना कहाँ है वो भी जो आपको फॉर्म मिलेगा उस पर नीचे लिखा होगा आपको भेजना कहाँ है, इन सब चीज़ों को आप भेज दीजिए। और भेजने के बाद जब वहाँ फॉर्म पहुँच जाएगा तो वहाँ से आपको एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप की बात करें, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सबसे पहले आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ जो रखी गई है वो 3.2 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसको आपको मैक्सिमम 14 मिनट में पूरा करना है। अगर आप 14 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 3.2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। यदि आप 3.2 किलोमीटर की दौड़ मैक्सिमम 14 मिनट या 14 मिनट से कम में पूरी कर लेते हैं तो आप अगले स्टेप के लिए चले जाएंगे। अगला स्टेप जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड का है। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो हाइट रखी गई है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है, 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फीमेल के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है, और जो चेस्ट रखी गई है मेल के लिए वो मिनिमम 80 होनी चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, मीन्स फुलाने पर आपका 50 सेंटीमीटर से कम ना हो, उससे ज़्यादा हो सकती है। अब यदि आप इन तीनों को पास कर देते हैं तो आप अगले स्टेप ले जाएंगे। अगला स्टेप जो है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कराया जाएगा उनकी तरफ से। अब एग्ज़ाम में दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो GS, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के रहेंगे। और इसमें आपको मिनिमम 50% पाना है जनरल के लिए, और 45% पाना है SC ST OBC के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगले स्टेप के लिए चले जाएंगे। अगला स्टेप टेक्निकल होगा, टेक्निकल में वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन होंगे। यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज ए फॉर्म में भरा है, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन आपकी पास डिग्री है तो उसके क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप फॉर्म में भरे होंगे वैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसमें भी 50% रखा गया है मिन क्वालिफाई, 50% जनरल के लिए और 45% ST ST OBC के लिए। यदि आप इस पर भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगले राउंड के लिए चले जाएंगे। अगले राउंड जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड है, लास्ट राउंड मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के कंसर्न में होगा। आप मेडिकल स्टैंडर्ड जानते ही हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड में सब कुछ चेक हो जाता है, आँख कान नाक ये सब, कान वगैरह ये सब, जो अगर उसमें भी आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग के लिए अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। दोस्तों कोई सवाल रह गया तो नीचे आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपका कमेंट की रिप्लाई कर दूंगा। और कोई मुझे सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप मेरे सुझाव भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाती, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई फॉर्म
आपसे मुझे मुझसे छूटे ना आपको बताने से, जो भी फॉर्म ऑफिशियली आता है मैं उसके बारे में वीडियो बना देता हूँ, तो कई वीडियो बनानी पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे मैं सर्च करता हूँ और लोगों से पूछ के, तब जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे पूछ के तब वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो मेरा साथ दीजिए आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। कोई भी फॉर्म मुझसे ऐसा नहीं होगा जिससे छूट रहा है, कोई फॉर्म आपसे छूटेगा नहीं, मैं सभी फॉर्म के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरा साथ दें, मैं वीडियो एक से दो वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात कि आप कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल ना हिचकिए कमेंट करने में, क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।